हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। आप सबको पता होगा, जब भी आप जर्मनी के स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, सो एक एम्बेसी को एक मेन डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है, वो है ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। सो वो जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ आपका जर्मनी पहुंचे तक ड्यूरिंग ट्रैवलिंग वैलिड होता है, और यहाँ पे फ़ौरन आने के बाद आपको दूसरे दिन यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पे दो तरह की हेल्थ इंश्योरेंस होती है, एक पब्लिक एक प्राइवेट। अब क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स का मोस्टली कि भाई कौन सी इंश्योरेंस लें, पब्लिक लें या प्राइवेट लें। सो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, दोनों की फीस में क्या डिफरेंस है। सो उसके लिए फांगन वीरान, लेट्स स्टार्ट। तो जो पब्लिक इंश्योरेंस है उसमें जो है अवका आ जाती है, मोस्ट फेमस है, काफ़ी स्टूडेंट्स के पास यही होती है, हमारी भी अपनी भी यही है। और उसके अलावा जो पब्लिक है डाक है, टीके है, वो भी सेम है। उसके अलावा जो है प्राइवेट में आ जाती है मोविस्ता। और प्राइवेट में मोविस्ता पिक करते हैं मोस्ट स्टूडेंट्स जो हैं, उनकी क्या फीसेज में क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस क्योंकि फीस ही होती है कि फीस के बिना पे लोग डिसाइड करते हैं कि हम पब्लिक लें या प्राइवेट लें, तो क्या डिफरेंस है? तो जो पब्लिक इंश्योरेंस है जैसे अवका, डाक, टीके, इनकी जो है 100 से लेके जो है ना 110 तक है स्टूडेंट्स के लिए। बड़ा दुख होता है देते हुए, लेकिन मजबूरी है, मतलब अभी तक सीरियसली स्पीकिंग अभी तक यूज नहीं किया कुछ भी, लेकिन फिर भी देना पड़ता है। कॉमेडी वाली होती है, पैसे नहीं ज्यादा कटे में सेविंग में भी। अब सोचें साल के 1300-1400 यूरो आपके जा रहे हैं इंश्योरेंस में, सो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? तो इसके अलावा जो प्राइवेट इंश्योरेंस है मोविस्ता, उसकी जो है ना फीस कम है, 40-50 यूरो है। पर फायदा है, अब आप सुन लेंगे। हाँ, अगर पैसे कम है तो ऑब्वियसली प्रोज भी जो एडवांटेजेस है वो भी कम होंगे, है ना। अब हम आपसे भी डिस्कस करते हैं आगे जाके। सो ये जो हमें फीस आपको बताई 110 यूरो जो पर मंथ है, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप प्रोफेशनल जॉब करो या फैमिली के साथ रह रहे हो तो तब क्या सीन होगा? फिर तो जो है ना सारी जेब खाली होती है, लेकिन अच्छा है कि जो पैसे भी तो ज्यादा मिल रहे हैं। हाँ, ऑब्वियसली आपको पे भी ज्यादा मिल रही है, तो आप फैमिली के साथ रह रहे हो तो उनकी कंबाइन इंश्योरेंस होती है, और वो आई थिंक इनकम ज्यादा है, तो जैसे इनकम ज्यादा है तो इन्होंने जो है इंश्योरेंस की कॉस्ट भी ज्यादा कर दी है, टैक्स भी ज्यादा होगा, इंश्योरेंस भी ज्यादा होगा, तो अराउंड 200 यूरो इसके आसपास है। तो ये है सीरियसली, अगर आप स्टूडेंट है ना जर्मनी में, आपको बहुत ज़्यादा फायदे हैं। आपका ट्रांसपोर्ट सस्ता पड़ता है, आपको इंश्योरेंस सस्ती पड़ती है, आपका टैक्स कम होता है, और भी काफ़ी फायदे हैं आपको, मतलब आपकी चीज़ें सस्ती होती हैं एज कम्पेयर टू जो प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं, जो लोग फैमिली के साथ रह रहे हैं। सो अब बात करते हैं कि दोनों के प्रोज एंड कॉन्स के हैं, पब्लिक के क्या फायदे नुकसान आते हैं और प्राइवेट के क्या फायदे नुकसान आते हैं। सो पहला फायदा हम क्या कह सकते हैं? सबसे पहले तो पब्लिक का ये फायदा है कि अगर आपकी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो मोस्टली जो एम्प्लॉयर्स या कंपनीज होती है ना, वो पब्लिक इंश्योरेंस वाले को प्रेफर करती हैं। तो अगर उन्हें आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना भी है तो फिर आपको कहते हैं कि आप अपना जो है ना इंश्योरेंस चेंज करवा के, अगर आपने प्राइवेट इंश्योरेंस की हुई है तो वो कहते हैं पहले कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए पब्लिक का, फिर हम जो है आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जिस तरह 2 साल पहले हमने अमेजोन में भी पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब की थी 3 महीने के लिए, सो जिनके पास पब्लिक इंश्योरेंस नहीं थी ना, उनको उन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्ट वो ट्रांसफर किया, पहले पब्लिक से प्राइवेट में, सॉरी प्राइवेट से पब्लिक में लेके, मतलब अगर उनकी मोविस्ता थी तो उनको ओका में कन्वर्ट किया, ओका में, टीके में या डीके में कन्वर्ट किया, और फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया। मतलब आपको जॉब के लिए थोड़ा मसला, क्योंकि अगर आपके पास मोविस्ता है ना तो आई थिंक ये सुनाई खबर है कि आप सिर्फ मिनी जॉब कर सकते हो, मतलब आप इतना फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते एज अ स्टूडेंट। सो इसका ये नुकसान, एक ये नुकसान है प्राइवेट इंश्योरेंस का। उसके अलावा अगर आपके इमरजेंसी हुई हो जाती है, कोई अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें जो है पब्लिक इंश्योरेंस बहुत फ़ायदा देती है। उसमें आपको सिर्फ कार्ड चाहिए होता है, आप कार्ड दिखाएं और आपका फुल ट्रीटमेंट होगा, जितना मर्जी एक्सपेंस हो, आपने अपनी जेब से कुछ नहीं देना। लेकिन अगर आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस है मोविस्ता, तो क्या होता है कि आपको अपना जेब से एक्सपेंस करना पड़ता है, उसके बाद वो जाकर कार्रवाई करके कुछ मिल जाता है, हो सकता है नहीं मिले, तो वो जो है रिस्क है। किसी के भी देखिए दिल नहीं करता इतने पैसे देने का कि आपको महीने के 100 यूरो फ्री में दे रहे हो, हम यूज़ भी नहीं करते, लेकिन इमरजेंसी का कोई पता नहीं होता, जाना करे कुछ भी हादसा वगैरह पेश आता है, तो उसके लिए काफ़ी फायदेमंद है ये चीज़ें। इसके अलावा पब्लिक इंश्योरेंस आपको पर ईयर ना 600 यूरो भी देती है कि आप इसमें आप एक्सपेंस कर सकते हो अपना। 600 यूरो में क्या क्या आप कर सकते हो? बिल्कुल, ये पब्लिक इंश्योरेंस की फीस तो ज़्यादा है, लेकिन ये लेते हैं तो अगर देते भी हैं आपको जो है ना फायदा भी पहुँचाते हैं। तो इसमें 600 यूरो का एक ईयरली पैकेज है, उसमें डिफरेंट जो है ना एस्पेक्ट्स हैं, सच एज जिम है, अगर आपने कोई जिम ज्वाइन किया है तो आपको 100 यूरो पर ये जो है ना वो कंट्रीब्यूट करेंगे। और आई थिंक यूनिवर्सिटी की जिम तो आपकी फ्री हो जाएगी, क्योंकि उसकी फीस इतनी नहीं होती, सो वो आपको जिम है, लेकिन बाकी जो जिम्स है वो थोड़े से एक्सपेंसिव है, लेकिन उसमें थोड़ा 100 यूरो आपको मिल जाएगा पर का। और उसके अलावा जो है लैब टेस्ट आपने कोई करवाना है अपना, कोई ब्लड टेस्ट करवाना है, वो वगैरह कवर हो जाएगा। उसके अलावा आपको दांतों का ट्रीटमेंट भी कवर कर सकते हैं। यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स को दांतों का दर्द हो जाता है यहाँ पे आने के बाद, पता नहीं क्यों, लेकिन इसलिए काफी जरूरी है। तो ये जो है ना मेन चीज़ें, इसके अलावा अगर और भी इसके काफ़ी फायदे हैं, उस पर हम एक लहदा स्पेशल वीडियो बनाएंगे, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी ये वीडियो, उसके लिए आप अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसकी वीडियो कोशिश करूँगा अलग से बना दूँ आपके लिए। सो अब मोस्टली स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि डॉक्टर को चेकअप करवाने की क्या फीस है, मेडिसिन महंगी हैं सस्ती हैं, सो उसके क्या सीन होता है इंश्योरेंस है? तो अगर पब्लिक इंश्योरेंस है तो डॉक्टर को चेक करवाने की बिल्कुल कोई फीस नहीं है। डिफरेंट जो डॉक्टर्स हैं आपके सिटीज में बैठते हैं, आप उनके पास जा सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हैं, इमरजेंसी केसेज में वैसे भी जा सकते हैं, तो डॉक्टर को चेक करवाने की कोई फीस नहीं है। लेकिन मेडिसिन की कुछ केसेज में फीस होती है, आपको जो वो रसीद देते हैं मेडिसिन की, वो आप लेके जाएँ एपोटेक जो है बोलते हैं मेडिकल स्टोर को, मेडिकल स्टोर लेके जाएँ, वो आपको जो है ना इशू करते हैं, तो वो आपको मेडिसिन लेके आपको एक
रसीद देंगे, वो रसीद जो है ना आपने जाके वापस अपनी इंश्योरेंस में जमा करवानी है। जो इंश्योरेंस कंपनी में से ओका हो गया तो ओका के ऑफिस में जाके आप जमा करवा देंगे, और एक से एक महीना मैक्सिमम 1 महीने के अंदर आपके बैंक में पैसे ट्रांसफर हो तो जाएंगे। वो जो है ना आपकी मेडिसिन के पैसे कवर कर सकते। कुछ मेडिसिन कवर नहीं होते लेकिन मोस्टली जो है ना कवर होते हैं। जैसे एक दफ़ा मुझे इन्फेक्शन हुआ था तो मैंने जो है ना चेक करवाया, मुझे लगा था पैसे नहीं मिलेंगे लेकिन पूरे पैसे वापस मिल गए। तो ये और जब भी आप इन जगहों पर जाएँ, डॉक्टर को चेकअप करवाने जाएँ, मेडिसिन लेने जाएँ या हेल्थ इंश्योरेंस के ऑफिस में जाएँ, तो ये मेक श्योर कर लें कि आपके पास आपका कार्ड हो, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड हो। अगर आप वो लेकर नहीं जाएंगे तो आपको चेक ही नहीं करेंगे। तो ये ना आप जल्दी जल्दी में इंश्योरेंस कार्ड लेने भूल जाएंगे, उनके पास रिकॉर्ड होगा, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन वो पहले आपका कार्ड देखते हैं कि कोई और ना आ जाए ना आपके नाम पर। सो फिर आपको आगे प्रोसेस आपका स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप कोई फुल टाइम जॉब करें और आपको भी अगर ना कर बीमार हो जाते हैं, सो आपको सिक लीव दिखानी पड़ती है जॉब वाली जगह पे। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको वही डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर आपका चेकअप करते हैं, आपको सिक लीव बनाकर देते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर देते हैं, और वो आप जमा करवाते हो, और फिर आपको वो उसके पैसे भी आप मतलब आप पेड आपकी सिक लीव हो जाती है। कि आपको फिर ये नहीं होता कि आपके छुट्टियों में आपके पैसे कट जाएंगे आपकी पे में से, वो आपकी पेड होती है ना। बिल्कुल पेड होती है, लेकिन आपने उसका गलत फायदा नहीं उठाना। सो इस इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट की इतनी इंपॉर्टेंस है ना सीरियसली, कि जब आप जर्मनी पहुंच जाते हैं ना, आपको दूसरे दिन जब आपको यूनिवर्सिटी में एनरोल करवाना पड़ता है ना, जब तक आपको यूनिवर्सिटी में एनरोल नहीं करेंगे जब तक आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस का नहीं होगा, तो पहले आपको जाना पड़ेगा ओका में या मोविस्ता वगैरह जहाँ पर भी आपने अपना अकाउंट खुलवाना है, इंश्योरेंस करवानी है, और उनसे फॉर्म वगैरह लेके फिर आप जाओगे अपनी यूनिवर्सिटी और फिर वो आपको एनरोल करेंगे। और वो क्या प्रोसेस होता है ओका में आपको रजिस्टर करने का, आप वहाँ पर उनके ऑफिस जाते हो, ओका में गए हो आप, सो वो आपसे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, पासपोर्ट नंबर वगैरह, और फिर आपको टाइम देंगे, आपको फॉर्म दे देंगे वैसे टेम्परेरी, और फिर आपको बताएंगे कि आपने 1 महीने इस टाइम तक आपने अपनी बैंक की डिटेल्स हमें देनी है, क्योंकि बैंक खुलने में आपको कम से कम 1 महीना लग जाता है आपको, मतलब आपके फिनतेबा से पैसे ट्रांसफर होते हैं बैंक में आपके, फिर आपका 1 महीना आपका बैंक कार्ड बनता है, फिर आप उनको नंबर देते हो बैंक का, और फिर वो आपका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, और आप फिर परमानेंट ना हो जाते हैं उनके वो हो जाते हो रजिस्टर हो जाते हैं उनके मतलब ओका के पास। बिल्कुल, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। यूनिवर्सिटी के अलावा जहाँ भी आप जाएँ और बैंक अकाउंट खुलवाने चले जाएँ, जॉब लेने चले जाएँ, हर जगह जो है आपसे पहला डॉक्यूमेंट ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बगैर आप नहीं रह सकते। जब अपनी स्थिति में पहुंच जाएंगे ना, जैसे जैसे आपका एडमिशन हुआ, आपको वहाँ जाकर पहला काम ही मतलब आपका पहला स्टेप ही ये होगा हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी जाओगे फिर बैंक जाओगे, तब इस तरह आपका स्टेप वाइज काम चलेगा। और अगर आपका कोई जानने वाला आ रहा है पाकिस्तान या इंडिया से, आप उसका अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं, इंश्योरेंस करवाना चाह रहे हैं, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। और रेफर करने का ये एडवांटेज है कि आपको और उसको जो है एक बोनस मिलता है। हाँ, उस वक्त वो हर टाइम पे डिपेंड फर्क होता है कि उस वक्त क्या ऑफर चल रही है, अराउंड 25 यूरो जो है हर टाइम पे था। तो ये आप कुछ है कि आप रेफर किया करें, और ये भी है कि मतलब अगर आपको लग रहा है कि हाँ बेनिफिशियल है तो आप क्यों नहीं दूसरे को भी रेफर करेंगे। अब मुझसे कोई पूछता है कि कौन सी लें ओका लें, तो अगर पब्लिक में कौन सी लें, मतलब क्यों प्राइवेट में, मुझे प्राइवेट में तो मैंने सुना सारे मोविस्ता ही लेते हैं, लेकिन पब्लिक में जो है ना मोस्टली स्टूडेंट्स ओका ओका और सेकंड नंबर पर आई थिंक टीके की डाक आती है, और फिर टीके आती है। सो बस यही था इस वीडियो में, आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, आपको अब समझ आ गई होगी कि आपने कौन सी इंश्योरेंस लेनी है, सर पब्लिक लेनी है या प्राइवेट लेनी है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस आते हैं। और मैंने कहा हर किसी को अलग अलग आंसर देने से अच्छा एक वीडियो बना के बता दीजिए, क्योंकि मैंने पहले कोई इस तरह की वीडियो नहीं बनाई भी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो देन गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय YouTube चैनल व्हिच इज इमरान सिंह। बाय बाय।